हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आपके प्यारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, हमारा और आपका प्यारा चैनल केम जीनियस। नाउ पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंपल क्यूब है, फेस सेंटर क्यूब है, बॉडी सेंटर क्यूब है, वो थ्री डायमेंशनली कैसे दिखता है स्पेस में। ठीक है, जब वो रोटेट करता है क्यूब, तो वो थ्री डायमेंशनली कैसे दिखता है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जहाँ पर आपको विभिन्न कलरफुल सिंपल क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, जो लैटिस अरेंजमेंट है, लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट है, वो सारा आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमने जो है पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन मैंने अच्छे से समझाया था कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस है बाई अवेलेबल लैटिस पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर क्यूब। ठीक है, तो जहाँ पर हमने जो है सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था, जो अराउंड 54% के आसपास आया था, यहाँ पर हम लोग जो है फेस सेंटर क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इंजॉय करिए इस वीडियो को। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंपल क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले सिंपल क्यूब। और यहाँ पर अगर फेस पर लैटिस पॉइंट बैठा देता हूँ तो वो फेस सेंटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्यूबिकल अरेंजमेंट है। आप देखो यहाँ पर ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब में कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रहेंगे, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट है, हर एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, ऑल एजेज आर सेम, ऑल एजेज ऑफ द क्यूब, किस तरह का क्यूब है, फेस सेंटर क्यूब, आर इक्वल। ठीक है, और यहां से मेरा फेस पर एक लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, फेस पर एक लैटिस पॉइंट, फेस पर एक लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। सभी लैटिस पॉइंट का डायमीटर सेम होगा। थोड़ा सा मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए, और ये भी है। ओके, तो यहाँ से ये थोड़ा बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट सभी सेम है, all will be equal, all lattice points will be equal, all lattice points will be equal, but for sake of understanding के लिए मैं थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ। ये मेरा केस हो गया, ये okay? तो यहां से देखिए आप, ये हो गया। तो यहां पर all edges same है, तो all edges same है, तो यहां पर AB, फिर ये C, फिर ये डी, तो यहां पर ए बी क्या है, एज लेंथ है, तो एज लेंथ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इज इक्वल टू ए से, ए यूनिट सपोज कर लीजिए। ठीक है, ओके, यहां से फिर एक फेस डायगोनल ड्रॉ करेंगे, फेस डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल। तो यहां पर बी डी इज अ फेस डायगोनल, ओके। तो अगर यही सही है तो यहां पर इन ट्राइंगल BCD as it is right angle triangle, so according to Pythagoras theorem क्या होगा, ये BD square is equal to BC square plus CD square। चूंकि यहां पर जो एज लेंथ है, ये एज ए है,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए है। तो यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, देयरफॉर बीडी क्या हो जाएगा, ए रूट टू। ठीक है, यहां पर ये रूट टू वैल्यू होगा जिसको इक्वेशन नंबर वन बोल रहे हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां से ये जो फेस डायगोनल ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पर फेस डायगोनल बराबर आप देखिए तीन जो है लैटिस पॉइंट है, इनको थोड़ा समय अगर यहाँ से अलग से कैलकुलेट करूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, हूबहू मैं ऐसा ही एक रेप्लिका यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक थ्री लैटिस पॉइंट्स है, थ्री लैटिस पॉइंट्स आर टचिंग ईच अदर, यू कैन सी यहाँ पर तीनों लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया d और ये भी, तो ये r क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है रेडियस। यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस 2r टोटल डायमीटर, और फिर ये रेडियस r। तो यहां पर क्या मैं लिख रहा हूं, लेट रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट, रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट इक्वल टू आर। ठीक है, तो अगर यही सही है तो यहां पर देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस हो जाएगा, यहां पर ये बीडी वाला 4r हो जाएगा। अब देख लो, r प्लस टू आर प्लस टू आर फोर आर। ठीक है, ये इक्वेशन टू, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा, 4r इज इक्वल टू ए रूट टू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट टू। यहां पर एक हमको इंफॉर्मेशन मिला इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आयो आप यहां तक समझ रहे हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं फेस सेंटर में, मिटा रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो इसको कॉपी कर सकते हो। तो यहां पर बट द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन फेस सेंटर क्यूब, ये हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट किया है, कितना होता है, 4 होता है। अगेन द वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन द क्यूब, कौन सा क्यूब में, फेस सेंटर क्यूब में टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हुआ, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन द क्यूब बाई ऑल लैटिस पॉइंट्स माने चारों लैटिस पॉइंट्स के द्वारा कितना, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज आप देख लो 16/3 पाई आर क्यूब होगा, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एंड बट द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है यहां से, तो देयरफॉर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई अवेलेबल वॉल्यूम इंटू 100%। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना, 16/3 पाई आर क्यूब बाई अवेलेबल वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, तो यहां से 16/3 इंटू पाई का कितना, 22/7 इंटू आर क्यूब बाई ये कितना होगा, ए का वैल्यू मेरा कितना आया था, ए इक्वल टू 4r बाई रूट टू आया था यहां पर, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 4r, अच्छा यहां पर इंटू 100%, एक मिनट, यहां पर इंटू 100%, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपका 16/3 पाई आर क्यूब बाई
ए का वैल्यू कितना होता है 4R बाई रूट 3 का क्यूब इंटू 100%। तो अब देखिए यहां से ये वैल्यू कितना आएगा, यहां पर ये मैं मिटा रहा हूं, तो ये परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर 16/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब बाई ये वैल्यू 4 का 64 बाई यहां पर 4R बाई रूट 2, तो यहां पर 2√2 हो जाएगा इंटू आर क्यूब इंटू 100%। यहां पर ये कट गया, ठीक है, ये करोगे तो आपको वैल्यू 74% आएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया, देयरफॉर ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया 74%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस, जिसको मैंने क्या बोला था वॉइड स्पेस, ये कितना होगा 100-74 26%। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन का पार्ट क्या था, यही तक, जो परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस या पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, अगर आपको वॉइड स्पेस पूछेगा आप कर सकते हो। ओके, आप देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी करेंगे। थोड़े देर पहले हमने एफसीसी के लिए किया था, तो एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट था वो फेस पे था, सभी फेस पर। अभी क्या होगा कि सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट होगा, वो बॉडी में होगा इन द केस ऑफ बीसीसी, बाकी कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट जो है सभी कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रहेंगे। अब यहाँ पर जो है एक एक करके मैं सारे चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल, पहला इंफॉर्मेशन। तो यहां पर देयरफॉर एज लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू, एज लेंथ इज इक्वल टू, एक एक करके एज लिखेंगे, यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अभी यहां पर एक क्या करना है हमको, एक फेस डायगोनल ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक फेस डायगोनल ड्रॉ कर रहा है और एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, आप जिस रूम में बैठे हो उसके पीछे वाले दीवार के कॉर्नर से पूरे बॉडी के अंदर जो है, पूरा रूम के बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके ठीक उसके सामने कॉर्नर में नीचे में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रूम के छत के कॉर्नर से अगर एक लाइन खींचे तो वो लाइन सीधे जाके अपने अपोजिट कॉर्नर में नीचे साइड में मिलेगा, ठीक है। तो वो एक बॉडी डायगोनल का हिसाब दे रहा है, तो वही चीज यहां पर बॉडी डायगोनल है। तो इसका नाम दे दिया लेट ई, ई नाम दे दिए। तो यहां पर जो हो गया ये बीई भी बॉडी, ये बी इज इक्वल टू ए से, तो बीई भी क्या हो गया, बीई जो हो गया वो हो गया एक एज लेंथ, यहां से ये बीई, ठीक है, ये भी एक एज लेंथ है। ओके, यहां से इसको, ठीक है, मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा हाईलाइट अच्छे से होगा। ये देखिए यहां से लेके ये पूरा यहां तक का, ओके। तो BEB जो है वो एक एज लेंथ है। अच्छा, अब यहां पर BD इज अ फेस डायगोनल, ठीक है, और DE इज अ बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी डी इज इक्वल टू ए रूट टू आएगा, ठीक है,
यहाँ पर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दोनों ए ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, चूंकि तो आपका ये आ जाएगा। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ई में, बी डी राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ई, और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल था बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप ये ट्रायंगल देखो बी डी ई में क्या केस है, यहां पर डी ई जो है वो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, तो डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम डी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ बी डी स्क्वायर मेरा कितना आया है, ए रूट टू, तो ए रूट टू का स्क्वायर, और बी क्या है, ये ब्लैक वाला देखिए ए ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर, देयर फोर डी इज इक्वल टू कितना आया ए रूट थ्री, इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब ये बॉडी डायगोनल को मैं यहां से अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो ध्यान से, यहां से एक लैटिस पॉइंट, यहां से एक लैटिस पॉइंट, ऑल लैटिस पॉइंट्स डायगोनली जो है टच कर रहा है एक दूसरे को, और यहां से एक लैटिस पॉइंट, ओके, यहां से बॉडी डायगोनल है हमारा ये डी और ई, जहां से रेडियस क्या है आर, यहां से यहां तक का ये 2R हो जाएगा, और ये R रेडियस डायमीटर रेडियस, तो यहां पर DE इज इक्वल टू कितना आएगा फ्रॉम दिस फिगर 4R, ठीक है, DE इज इक्वल टू 4R आया यहां से फिगर से, इस फिगर से, बट DE इज इक्वल टू कितना, इक्वेशन को इक्वेशन 2 देंगे, दोनों को कंपेयर करो साइड बाय साइड, तो क्या आ रहा है DE इज इक्वल टू ए रूट टू यहां से ए रूट थ्री सॉरी, और यहां से 4R, देयरफॉर 4R इज इक्वल टू ए रूट थ्री, एक इंफॉर्मेशन आया दैट मीन्स ए इज इक्वल टू कितना 4R बाई रूट थ्री। ओके, ठीक है, नाउ मिटा रहा हूं इसको, तो मेरा क्या मिला 4R इज इक्वल टू ए रूट थ्री, ये मिला। नाउ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी कितना होता है 2, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच लैटिस पॉइंट कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कौन सा, क्यूब द क्यूब माने कौन सा, बीसीसी 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बट बट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब द अवेलेबल वॉल्यूम बट द अवेलेबल टोटल अवेलेबल वॉल्यूम बट द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है ए क्यूब, बट ए कितना है, यहां से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू 4R बाई रूट थ्री, तो यहां पर ए का कितना होगा 4R बाई रूट थ्री का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है।
देयरफॉर इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल यहां के लिए। तो देयरफॉर इधर लिख रहा हूं, देयरफॉर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, यहां पर जो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, यहां पर ये टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ये वाला आया, और टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ये आया। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय अवेलेबल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है यहां पर, कितना आएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4 R बाई √3 का क्यूब इंटू 100%। कैलकुलेट करो इसको कितना वैल्यू आएगा, ठीक है यहां पर पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 64% क्या आएगा। तो यहां पर परसेंटेज बराबर ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस किसमें, इन बीसीसी में, परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस बीसीसी में, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन एफसीसी कितना हो जाएगा, यहां पर ये 64% है, ठीक है सॉरी 68% आएगा, 68%। तो यहां पर कितना आएगा आपका 32%। बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, यहां पर एक अगर हम चार्ट बनाते हैं टाइप ऑफ क्यूब और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, तो क्या आएगा, सिंपल क्यूब में, ठीक है, फिर यहां पर एफसीसी में, फिर बीसीसी में कितना आएगा, आप इसको फिलअप करो, यह आया 52.4%, यह आया 74% और यह आया 68%। तो यहां से परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस भी अगर निकालते हैं, वॉइड स्पेस कितना आ जाएगा, ये 32% आएगा, ये 26% आ जाएगा, और ये कितना आएगा, आप माइनस कर लो 100.00 और 52.40674 47.6%। ओके तो ये हिसाब है आपका। ओके तो That's it for the today's class. I hope you enjoyed the class. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा calculation था, बहुत सारा conceptual calculation था, तो आपको थोड़ा geometrically बहुत अच्छे से figure को visualize करना पड़ेगा, ठीक है। और ये exam में बहुत आता है आपके academic exam में, proof करने के लिए कि calculate the packing fraction, percentage of packing fraction in FCC, या calculate the packing percentage of packing fraction in BCC, ठीक है। Okay, तो I hope you enjoyed the class finally, ठीक है। Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye. And must subscribe the channel, spread the channel. Thank you.